से भी ना देख के ये नहीं बता सकते मैं आपको बाइक में हूटर लगा हुआ है। तो देखो ऑप्शन है या तो सीट के नीचे या फिर यहाँ पर, नीचे यहाँ पे मैंने स्विच भी लगा रखा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर गैरेज। तो भाई आज का वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या होने वाला है। तो आज की जो वीडियो है मेरी तरफ से बिल्कुल भी आप लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, बस मैंने सिर्फ एक शॉर्ट अपलोड कर दिया था, उसमें हूटर की हूटर दिखा रहा था आप सभी लोग भाइयों को। पर उस वीडियो पे भाई उसके बाद मतलब आप खुद भी जाके देख सकते हो, एक भी वीडियो मेरे चैनल पे बाइक से रिलेटेड आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ये कमेंट नहीं किया भाई हूटर की वीडियो दिखाओ, हिडन सायरन हमें लगा के दिखाओ, भाई कैसे कैसे फिटिंग होगी। तो इसलिए भाई आप लोग इतने ज्यादा कमेंट करने के भाई आप इतने ज्यादा कमेंट कर रहे थे इसलिए आज ये वीडियो आ रही है। और भाई मेरी तरफ से मतलब ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, मेरे मतलब कोई मतलब मेरे कहने से मत लगाना इस चीज को, क्योंकि ये इलीगल है एक तरीके से। आप मेरी बाइक में हॉर्न भी देख सकते हो, हॉर्न भी जो है मैंने सिर्फ शोइंग पर्पस के लिए लगा रखे हैं, बाकी पब्लिक प्लेस पे इनको भी नहीं बजाता हूं मैंने यहाँ पे छोटा वाला हॉर्न भी लगा रखा है, आपने शॉर्ट में भी देखा होगा। नीचे यहाँ पे मैंने स्विच भी लगा रखा है, ये रहा स्विच। इस स्विच से क्या है ना कि देखो अभी तो ये वाले हॉर्न बज रहे हैं बड़े वाले, और जब मैं इनको पीछे की तरफ कर दूंगा स्विच को तो देखो छोटा वाला बजेगा। और मेरी तरफ से भाइयों बिल्कुल भी एक भी चीज रिकमेंडेड नहीं है, सारी चीजें इलीगल हैं, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस वगैरह के लिए मैंने ये बाइक रखी हुई है। और बकायदा जहाँ पे मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे पास दूसरी बाइक्स भी हैं, कार्स हैं, उनको लेके जाता हूँ जो पूरी तरीके से लीगल है। तो बिना देरी करे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाला हूटर परचेज करके लाए हैं, इसकी इसमें चार टूने देख सकते हो ऐसा कुछ है ये, और क्वालिटी वाइज ठीक है, काफी ज्यादा वेट है इसमें। और अब ऐसी कुछ पैकेजिंग थी इसकी, ये वाला बॉक्स था, प्राइस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ और जल्दी से इसको फिट करते हैं अब। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको ना अपने वाइजर के पीछे इंस्टॉल कर लूँ, दो ऑप्शन है या तो सीट के नीचे या फिर यहाँ पर, इजीली हो जाएगा। तो इसके अंदर करते हैं जल्दी से, मैं इसको खोल लेता हूँ। तो भाई इसको फिट करने के लिए ना थोड़ा सा इसको ना बार बार से काटना पड़ेगा, तो आप इसकी जो ये आउटर शैल है अगर इसको काट दोगे ना तो कोई इश्यू नहीं रहता। तो इसको पहले मैं काट लेता हूँ फिर इंस्टॉल करेंगे। तो भाइयों मैं आपको बताता हूँ कनेक्शन कैसे करने हैं। तो हूटर में होते हैं दो वायर, एक रेड और ब्लैक। तो जो ब्लैक वाली वायर है ना वो आपको ना इंडिकेटर के, देखो अगर आप अपना वाइजर खोलोगे तो इंडिकेटर का ये वाला कपलर दिखेगा, तो उसमें इस तरीके से लगा लेना। देखो यहाँ पे दो वायर आ रही होंगी इस वाले कपलर में, एक दोनों ही ग्रीन होंगी, देख सकते हो दोनों ग्रीन है, उनके बीच में मैंने ब्लैक कलर का तार लगा दिया है। और जो रेड वाला है ना वो जाएगा आपके बैटरी के रेड से, एक तार लाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, उसमें लगा लेना। अदरवाइज है ना यहाँ पे एक जो आपके यहाँ से भी जो कनेक्शन आ रखे हैं इनमें भी होती है पॉजिटिव, तो यहाँ से भी ले सकते हो, कपलर होता है अंदर, जैसे आपके मन करे वैसे कर सकते हो। मेरे को वायर लाने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज ऑफ मेरे ना पहले से नियॉन लाइट वगैरह कनेक्शन के लिए वहाँ से वायर आ रखी है, देख सकते हो आप रूट्स वगैरह भी लग रखे, तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ आया हुआ है ऑलरेडी, तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट मैंने ब्लैक वाली वायर कनेक्ट करी, वहाँ से मैं दे दूंगा ब्लैक वाली जो हमारी हूटर का है, और उसके बाद पॉजिटिव वायर हमारी आई रखी है पीछे से, तो उससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर बताऊंगा स्विच वगैरह कैसे इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा सा वेट करो अभी बताता हूँ सारी चीज। भाई आप मैंने देख सकते हो वहाँ पे फिट कर दिया, काटने के बाद वहाँ पे फिट कर देना और टाई बेल्ट से बांध देना, मैं अभी बता दूंगा कैसे बांधना है। और टाई बेल्ट से बांधने के बाद बढ़िया जुगाड़ हो जाता है एक नंबर का, और अपना ये नंबर प्लेट भी फिट हो जाती है और वाइजर भी लग जाता है, वहाँ पे इतनी जगह वो आराम से होती है, जबकि मेरी तो प्रोजेक्टर भी पीछे तक आया हुआ है तब भी। और मैंने एक वायर ली है जो कि मैं स्विच से कनेक्ट करूंगा, तो स्विच के कनेक्शन देख लो कैसे होंगे। जो एक ब्लैक कलर की हूटर से वायर बोली थी ना मैंने आपको, तो वो देख सकते हो उसमें मैंने एक वायर कनेक्ट कर ली है, और इसको आगे ना आप अपने स्विच में कनेक्ट कर लेना, और जो इस दूसरे तार है इसके साथ जो लगी हुई है देख सकते हो वो आप कनेक्ट कर देना अपनी, जो मैंने बताया था ना ऊपर इंडिकेटर का कपलर होता है उसमें तीन वायर जुड़ रखी हैं, जैसे कि ये देखो देख रहे हो ना यहाँ पे, ए रुको एक मिनट रुकना,
देखो दो ग्रीन वायर आ रखी है और ग्रीन वायर के साथ एक बीच में ब्लैक है, तो जस्ट वहीं पे ही इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ यहाँ से हटाकर देख सकते हो वो रहा, और यहाँ पर हमारा स्विच लग जाएगा। भाई अगर आपके पहले से बाइक में कोई भी एक्स्ट्रा लाइट लगी हुई है ना, तो आपकी बैटरी से कनेक्शन पक्का ही आए होंगे। तो आपको क्या करना है, वो जो वायर लगी हुई होगी ना दो, आपकी लाइट में या फिर नियॉन लाइट में, हॉर्न में, कहीं पे भी, वो दो वायर आपको हूटर में जोड़ देनी है, और जो आपके हूटर की ब्लैक वायर है उसमें आप सिंपली स्विच को कनेक्ट कर देना। मैं जल्दी से काम फिनिश करता हूँ, फिर आपको आवाज़ सुनाऊंगा और प्राइस बताऊंगा। तो भाई वायर वगैरह सारी चीज़ें कनेक्ट हो चुकी हैं, अब बस स्विच है। देखो स्विच दिखाता हूँ, मेरे पास है ना स्विच है, एक घर पे ही रखा था, तो वो मैंने संभाल के रख लिया था, पता नहीं किस चीज़ में से निकला था ये लैंप वगैरह में लगा हुआ था हमारे। तो ये छोटा सा स्विच है, इसी को यूज़ कर लेते हैं, बाकी आगे जब मेरे पास बड़ा स्विच होगा तो मैं वो लगा लूँगा। और इस ये यहाँ पे इजीली ऐसे फिनिशिंग से फिट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे है ना कटर की हेल्प से, ये वाला कटर है हमारे पास, तो इसकी हेल्प से एक छोटा सा छेद कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर वायर कनेक्ट कनेक्ट करके सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। आप जल्दी से देख लो, तो भाई यहाँ पे मैंने कटर की हेल्प से एक होल कर लिया है। अब मैं जल्दी से है ना स्विच के अंदर जो ये तीन टर्मिनल है ना, इन्हीं की इनमें से किसी दो में, यानी या तो आप लेफ्ट के दो ले लो या राइट के दो ले लो, कनेक्ट कर लेना दो वायरों को, और फिर सीधा कनेक्ट कर देना। मैं जल्दी से करता हूँ, अब फटाफट से आप देखो मैं कैसे कैसे कनेक्शन करता हूँ। देख सकते हो मैंने ना यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, और अब इसको मैं लगा देता हूँ जल्दी से। भाई देख सकते हो कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और अब ये यहाँ से आप ऑन ऑफ करोगे तो आपका हूटर चल जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी अभी यहाँ पे नहीं बजा रहे, अभी जल्दी से मैं वाइजर वगैरह फिट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो भाई आप चेक कर सकते हो, और ना आप खुद भी देखो कि आप कहीं से भी ना देख के ये नहीं बता सकते। मैं आपको पूरा वॉक अराउंड देता हूँ बाइक का, कि भाई बाइक में हूटर लगा हुआ है, तो देख सकते हो मैं आपको एक वॉक अराउंड देता हूँ, और आप फिर नोटिस करो कि आपको पता चल रहा है कि बाइक में कहीं हूटर लगा हुआ है, खुद से भी देख सकते हो। और तो और अगर आप इधर से भी पास से देखना चाहो तो लो देख लो, इतना नहीं नोटिस में आ रहा। भाई जिस टाइम आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा ना, जिन भाई ने नहीं भी देखा तो जाके देख लेना, उस टाइम पे मैंने जो हूटर है ना वो सीट के अंदर लगाया हुआ था, तो उससे थोड़ी आवाज दबती थी, और जो स्विच है ना वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ था ये वाला, तो इससे अब मैंने हॉर्न का कर लिया जुगाड़, और अब जो स्विच मैंने दिया है वो मैंने प्रॉपर यहाँ पे दिया है, देख सकते हो आप यहाँ पर एकदम नीट एंड क्लीन ये वाला इसका स्विच। अभी आवाज आपको अच्छे से चेक करा दूंगा, आप स्विच की प्लेसमेंट देख सकते हो, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे तो जेन्युइन कंपनी से ही आया हो, काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और भाई आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया कि भाई आपने कमेंट्स करे, आपके कमेंट्स को देख कर ही भाइयों मैंने ये वीडियो शूट करी। और सही बताऊं ना आपको, इतनी ज्यादा लेट वीडियो इसीलिए हो गई है वाली, क्योंकि ये ना देखो बड़े वाले हूटर जो होते हैं ना वो सारी जगह मिल जाते हैं, पर छोटा वाला ना थोड़ा सा मिल नहीं रहा था, सारे के सारे खत्म हो गए थे, तो वो भाई ने लाने में थोड़ी देर कर दी, इस वजह से मेरी वीडियो भी लेट हो गई। अदरवाइज आप लोग जब कमेंट करते हो तो मेरा पूरा पूरा मन होता है कि भाई मैं उस चीज को आपको करके दिखाऊं, तो ऐसी कोई बात नहीं रहती, थोड़ा सा मतलब यही इश्यू रह जाता है, इस वजह से नहीं आ पाती है, बस ये आप मेरी बात समझ ले करो कि भाई जब अगर वीडियो नहीं आ पा रही तो कुछ ना कुछ उसके पीछे इश्यू ही होगा। कि भाइयों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और मैंने एक वीडियो तो शूट करके भी रखी हुई है, बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो है, इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में वही वाली डालूंगा, तो वो वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लो। अब जल्दी से ना आवाज सुनते हैं, फिर प्राइस वगैरह सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो एक बार जल्दी से अब मैं आपको आवाज चेक करा देता हूँ। तो भाई आपने आवाज़ चेक कर ली, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, इसमें चार टून ऑफर होती हैं, और बाकी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पांस था इसका। और इस वाले बटन को ना आप ऑन ऑफ करके ना अपनी ट्यून को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज एक एक ट्यून पे भी इसको रख सकते हो, ये इसमें ऑप्शन होते हैं। और अब गाइज एक है ना मेरे पास, मैंने कोबरा का हूटर हो रहा है, इसमें क्या ना माइक वगैरह कुछ नहीं होता, तो एक कोबरा का हूटर हो रहा है उसको और मैं लगा के दिखाऊंगा। हाँ वो हिडन तो नहीं हो पाया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें लेकिन 10-12 ट्यून है और उसमें माइक भी है, तो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो आप कमेंट सेक्शन में
कमेंट कर देना, वो वाला हूटर भी लगा के दिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। फिर तो भाइयों चैनल पे आप जल्दी से ना 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो भाइयों, आपका प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप लोगों के लिए ही मैं अपनी पढ़ाई वगैरह से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, और अदरवाइज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। पर जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और मैं उन कमेंट्स को पढ़ के ही अप्रिशिएट होता हूँ और फिर आप लोगों के लिए वीडियोज लाता हूँ। तो बस मेरी आप सभी भाइयों से एक यही डिमांड है कि आप वीडियो पे कमेंट और मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो, और आपके किसी फ्रेंड या भाइयों के पास जिसके भी पास स्प्लेंडर हो तो मेरे चैनल को शेयर कर देना उनके पास बस। तो भाइयों मैंने आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, और अब बात कर लेते हैं हूटर के प्राइस की। तो हूटर का जो प्राइस हमें ऑफलाइन का रेट बता रहा हूँ आपको, 250 रुपीज़ आपको ऑफलाइन इजीली मिल जाएगा ये, और बाकी ऑनलाइन अगर आपको परचेज करना है तो उसमें 300 एंड 350 तक के रेट मैंने देखे थे, इतने अवेलेबल होते हैं। और अगर आपको हूटर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आपको साइड में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शो हो रहा होगा वहाँ पे जाके कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो किसी भी एंड पे अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।